वैसे आज जुम्मा भी है, तो आज जुम्मे की नमाज भी पढ़नी है, तो हमने मस्जिद भी जाना है। तो देखते हैं जुम्मा नमाज, क्योंकि यहाँ के मेरे को मस्जिद का नहीं पता कि मस्जिद यहाँ कहाँ है। मैं मस्जिद ही ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन मस्जिद मुझे मिली। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे शायद। लेकिन बंदे ना, कहीं अगर अपना छोटा सा प्रोग्राम करना हो ना, मंगनी वगैरह या इंगेजमेंट या कुछ भी, या कोई बर्थडे पार्टी, तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, बड़े बुखारी पे है ये, ठीक है, फेस 8 में दिखाऊँ आपको, देखनी है। ये देखो कितना प्यारा है यार, खूबसूरत किया हुआ है, अल्लाह की कसम इतना प्यारा इससे सजाया हुआ है कि मतलब अगर यहाँ पर लाइटिंग हो जाए रात में, नाइट में, उफ इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा कि पूछो नहीं। ये इस साइड पे दिखा दूँ मैं आपको ना, अगर किसी ने भी आना हो तो वो यहाँ के, मैं तो नहीं होऊंगा, मैं तो अभी चले जाऊंगा, अगर किसी ने प्रोग्राम वगैरह करना हो तो यहाँ पे ये जगह फेज 8 में ना, सही है, फेज 8 में। ओके, मस्जिद देखते हैं जो हम देखने निकले हैं, मस्जिद जो हम ढूंढ रहे हैं, मस्जिद देखते हैं आज कि मस्जिद किस साइड पे है, कहाँ है मस्जिद। मस्जिद तो यार होनी चाहिए, होगी, इंसान सच्चे दिल से ढूंढे ना सब मिल जाता है इंसान को, इंशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, देखा मिल गई, यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा है मस्जिद का मेरे ख्याल से, कि टेंट लग रहा है। जुम्मा है ना आज, तो बाहर सी बात है, तो रश होता है, जगह नहीं बचती है। माशाल्लाह मस्जिद बन रही है अभी, अल्लाह पाक इसको खूबसूरत से बनाने वालों को अल्लाह पाक खूबसूरत ही बनाई है, क्योंकि बनती है जब मस्जिद तो इंसान भाई सही नहीं बनाते हैं, कुछ होते हैं मजदूर पैसे खा के चले आते हैं, सही नहीं बनाते। अल्लाह पाक जी जो भी बना रहा है, अच्छा इंसान हो, अच्छे तरीके से बनाए, बस यही हम बोलेंगे, बाकी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। तो अभी देखते हैं, बैठ के बात करते हैं इस मामले में कि भाई अभी व्लॉग जो मेरा है वो कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता कैसा है कैसा नहीं है, इंशाल्लाह कोई अच्छा ही होगा। आप लोग मुझे बताओगे व्लॉग मेरा कैसा है। मस्जिद तो मुझे मिल गई है, अब मैंने जाना है मस्जिद, मैंने वजू वगैरह करना है। अभी कोई भी नहीं आया, तो जब जाहिर सी बात, अब मैंने कहीं इधर उधर तो नहीं घूमना, अभी मैंने जाके मस्जिद में वजू वगैरह करना है, मेरा रोज़ा है। तो अल्लाह पाक सब जिन जिन ने रोज़ा रखा हुआ उनको हिम्मत, उनकी जो नीयत है, ताकत हो उसमें, अच्छी नीयत हो, मजबूत हो, कमज़ोर ना हो हर इंसान, क्योंकि कुछ लोग होते कमज़ोर होते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, गर्मी इतनी है। तो आज तो जुम्मा है, और जुम्मे वाले दिन ही जो रोज़ा रखता है, मैं कहता हूँ असली रोज़ा वो होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को देख रहा होता है कि यार मैं आज जुम्मे का दिन है, आज ये सारे नमाज पढ़ने जाएंगे और मैं इनको गर्मी दे दूँ। आज हम पे अल्लाह पाक ऐसी, मतलब इतनी गर्मी होती है अल्लाह पाक की तरफ से कि बस अल्लाह पाक देख रहा होता है अपने बंदों को, और शैतान को इतनी आग लग रही होती है इतनी कि यार कैसे से, मतलब इतनी गर्मी में नमाज पढ़ रहे हैं, और शैतान हमें रुकता है, और हम कुछ लोग हैं वो रुक जाते जाते रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की बकावे में, शैतान की बातों में आ जाते हैं। खैर, इंसान के अपने अपना दीन ईमान है, कोई रुकता है कोई नहीं रुकता है, कोई चले जाता है, मतलब नहीं रुकूंगा भाई मैं, रुकता रहे जितना रुकना है तेरे को। तो यार मैं तो यही कहूँगा, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह पाक के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता, ना मुझे कोई दे सकता है। हम एक दूसरे का एहसास और मोहब्बत कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन दे नहीं सकते कुछ भी एक दूसरे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मस्जिद मिल गई है। अब हम, क्योंकि आप बोल रहे हो कि व्लॉग में आने में लगा मस्जिद नहीं जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं है, टाइम तो ये हुआ है ओके 11:32, तो अभी इतना टाइम नहीं, अभी तो मतलब 1-2-3 घंटे पड़े हैं टोटली, 3 से 4 घंटे पड़े हैं अभी अगर देखा जाए तो नमाज में। तो अभी मैं जाके वजू करूँगा, बैठ जाऊँगा जाके, माशाल्लाह मुझे लगता है मस्जिद बहुत प्यारी बनी है। जो एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को ना मस्जिद भी दिखा देता हूँ, क्या बोलते हो? चले आए, मैं आप लोग को मस्जिद भी दिखा देता हूँ, मैं अपना छोटा मोबाइल भी ले जाऊँ, ताकि तो आप कॉल करें वो परेशान ना हो, फिर देखते हैं इंशाल्लाह, आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ। तो ये है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत प्यारी बन रही है, बहुत अच्छी भी बन रही है, जुम्मे की तैयारी हो रही है भाई, जुम्मे की तैयारी। मैंने कभी भी यहाँ पे ऐसे जुम्मा नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे भी लगेगा मेरे ख्याल से टेंट ना, क्योंकि ये तो जगह बहुत छोटी है,
डिफेंस वाली जगहों पे ना आबादी बहुत होती है, बहुत लोग रहने आते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। आओ मस्जिद दिखाएं, बोलो हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। बंद तो नहीं है, बंद लग रही है मुझे तो, बंद है। हाँ सारा कुछ, ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बन रही है, बहुत अच्छी बन गई है। ये बड़े बुखारी फेज 8 में, वाओ ये कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बड़े बुखारी पे सिर्फ आप लोग को ना ये बिल्डिंग वगैरह मिलेंगी, ये इसके वॉशरूम है माशाल्लाह, ये ऊपर जाने का रास्ता है इसका, ये मस्जिद है। ये ना बिल्डिंग पे बनी हुई, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ और नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह ये अंदर का इमाम साहब बैठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ये मुझे बहुत प्यारी लगी है यार, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अलग ही लुक दिया गया। वजू खाना तो बहुत प्यारा है इसका माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी बनी है। ये देखे ना ही बिल्कुल ना, नया सामान है सारा, बिल्कुल नया सामान है सारा इसका माशाल्लाह, सारा कुछ भी पुराना नहीं है इसके अंदर कुछ भी। वॉशरूम के दरवाजे भी अच्छे लगे हुए हैं यार, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह। ये देखो साफ कितना, वरना बाकी मस्जिदों में जाओ ना तो इंसान है ना बस अपनों में लगा रहता है, सफाई सुथराई नहीं होती। ये डिफेंस में है ना तो जाहिर सी बात है, डिफेंस में तो डिफेंस के लोग सफाई सुथराई तो मानते हैं, सफाई सुथराई तो होनी चाहिए क्योंकि अच्छी बात है। बटन भी अच्छे लगे हुए यार, अच्छी चीज़ लगी हुई है और कंपनी भी अच्छी है यार। ये दरवाजे हैं इसके, मतलब वॉशरूम वगैरह में तो लगते बहुत अच्छा ही होगा, लॉक किए हुए कुछ वॉशरूम वगैरह लॉक किए हैं इसमें, सारे दरवाजे लॉक किए हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों लॉक किए हुए, लेकिन लॉक किए हुए क्योंकि यहाँ कोई है नहीं ना डिफेंस के, मस्जिद से कुछ चीज़ें भी चोरी होती हैं आजकल तो, पोटरी इतने हमारे कराची में की बात पूछो ही नहीं। चलें मैं अभी वजू वगैरह कर लूँ, वॉशरूम तो लॉक नहीं है, वॉशरूम पता नहीं वॉशरूम कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा, देखता हूँ कोई खुला हुआ खुला हुआ चेक करते हैं, अभी खुला खुला हुआ तो फिर देखेंगे, अभी हम वजू वगैरह करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। ओके अल्लाह हाफिज़।